जम्मू से कौमी शाहरा की बात करना चाहेंगे या इसके साथ में अगर बनिहाल टाउन की बात करना चाहेंगे, आज छठे सातवें रोज भी जो है बनिहाल टाउन बंद है, लेकिन मैं मौजूद हूं टिठार पंचायत के इस इलाके में और मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर आज तेरहवें रोज से भी जो है, यानी दिस इज द 13th डे कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सील जो है टिठार के इलाके में दुकानों को लगाई गई है। आप बिल्कुल हमारी सीट पे देख सकते हैं जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, और कुछ चीजें जो है आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये पूरी मार्केट जो है ये बाकायदा पूरी तरह से सील है। और इस हवाले से सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर 8,000-7,000 किलोमीटर से जो बीरू रियासत से जो कुछ लोग वादी कश्मीर में, जैसे कल भी हमने दिखाया, आज की डेट में लंबी लंबी कॉन्वाई जो है बसों की वादी कश्मीर की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से उनका इस 7,000 या 8,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में जवाहर टनल तक किसी किस्म का कोई कोरोना का टेस्ट नहीं किया जा रहा है या उनकी सैंपलिंग नहीं ली गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोरोना वायरस का थ्रेट जो है, अगर जो मेडिकली हम बात करना चाहेंगे कि अगर किसी जगह पे आपके ड्रॉपलेट्स जो है किसी दूसरे शख्स के नजदीक पड़ते हैं, आपको कोरोना वायरस हो सकता है, या कोरोना वायरस की बीमारी है जहां पर अगर कोई सिम्टोमेटिक होता है इतने लंबे डिस्टेंस से पार करके, अगर उसका वायरस जो है 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे जो अलग अलग मेडिकल जो एसोसिएशन की जानिब से जो या जो टेक्निकली जो ये बातें सामने आती है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग बिना टेस्ट के जा रहे हैं, तो क्या उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो सिम्टोमेटिक हो सकता है, जो कोरोना पॉजिटिव आ सकता है। खुल के अगर बात करना चाहेंगे तो इस कोरोना वायरस का ओरिजिन जो है चाइना से शुरू हुआ, उसके बाद दूसरे ममालिक में फॉरेन कंट्रीज में चला गया, उसके बाद अपनी कंट्री के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता कई स्टेट जो है इसके लपेट में आ गए, उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। अगर सरकारी सतह पे यह कहा जा रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर को कोरोना वायरस फ्री रखना है, अपने रामबन जिला की बात करना चाहेंगे जहां पर इकदाम उठाए जा रहे हैं कि इस जून को जो है इस इलाके को कोरोना वायरस फ्री रखना है, तो फिर सवाल ये कि जहां पर लखनपुर से लेकर जवाहर टनल तक इतने नाके हैं, इतने सैंपलिंग के जो मराकज है वहां पर किसी किस्म की कोई सैंपलिंग नहीं की जाती है। अब बीरू रियासत से जो लोग आते हैं जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर, चूंकि अगर बात करें तो यानी बिहार से लेकर जवाहर टनल तकरीबन 7,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें कितने मराकज है बीच में, लेकिन लेबर्स का और बाकी लोगों का खुल के मानना है उन्होंने ना तो सैंपलिंग दी है ना टेस्ट कराई है, तो कल की बात, लेकिन आज की भी बात करना चाहेंगे, आज भी यही सूरत हाल है। आज भी जम्मू सरा कौमी शाहरा पर बिल्कुल खुले तौर पर जो है लोग बीरू रियासत से वादी कश्मीर की ओर जा रहे हैं, जवाहर टनल पार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि लवरमंडा के मकाम पर जो है एक रिसेंटली जो है एक तिब्बी मरकज कायम किया गया है,
एक लैब कायम की गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारे रामबन जिला के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो किसी से छुपी नहीं है कि यहाँ पर कोरोना वायरस को लड़ने के लिए कितने मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, क्या कुछ इंतजाम है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल, और उसके साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन, यानी जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सील जो है यहाँ पर लगाई गई है। पूरी मार्केट का व्यू जो है कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, पूरी इस मार्केट की व्यू, जितने भी शटर्स आप देख रहे हैं ये सभी शटर्स जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा सील लगाई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यहां पर इन दुकानदारों ने सैंपलिंग नहीं दी या इन्होंने सैंपलिंग देने से मना किया। उसके बाद आज 13 रोज मुकम्मल हो गए टिठार के इलाके में, यहां पर लोग घरों के अंदर मैसूर है। खाने पीने के हवाले से बात करें तो यहां के लोगों को कोई भी चीज मयसर नहीं है, सब्जियां मयसर नहीं है। अगर हम बात करना चाहेंगे तो जब जानवर को भी जो है 4-5 रोज जो है अंदर रखा जाता है, वो भी फिर जो है जो उसको खाने की चीज होती है उसकी जो आदत होती है उसके लिए वो जो है पूरे कुछ इकदाम करती है। लेकिन यहाँ पर जो टिठार का इलाका है जहाँ पर इंसान बसते हैं, सिविलाइज लोग बसते हैं, लेकिन 13 रोज मुकम्मल तौर पर दुकानों को बंद करना यहाँ पर कई सवालात को जन्म देता है। और जरूरत है कि सब जिला बानीहाल के अंदर भी जो है जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह SOPs को जिस तरह से फॉलो किया जा रहा है उसी तरह से यहाँ पर भी गाइडलाइन के मुताबिक लोगों के साथ उसी तर्ज पर ट्रीट किया जाए। अब सवाल ये कि अगर कोई छोटा सा इलाका जहाँ पर कोरोना के कुछ पॉजिटिव केस जाते हैं और यहाँ पर गाइडलाइन के मुताबिक आप उस मोहल्ले को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप उसमें वायर लग सकते हैं, उसके बाद वहां उन लोगों को जब तक वो ठीक होकर आते हैं। लेकिन सवाल ये कि बानीहाल मार्केट भी जो है, बानीहाल मार्केट में मेन टाउन में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, 6ठे रोज 7वें रोज से जो है मार्केट बंद है, टिठार में 13 दिन गुजर चुके हैं, यहां पर लोगों ने हम तक शिकायत पहुंचाई सब्जी यहां पर नहीं है, उसके साथ में जो बाकी जो फैसिलिटी यहां पर जो किराना के हवाले से आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर 13 दिन गुजर गए और लोगों को खाने पीने के हवाले से बहुत दिक्कतें हैं। जरूरत है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल रखकर यहां पर वक्फे से जो है डील जो है वो दी जानी चाहिए। टिठार से कैमरा पर्सन शकील नायक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।